Hey Virgos, Kanya Rashi, welcome to your channel Divine Guidance and Healing. Happy New Year. आज हम रीडिंग कर रहे हैं जनवरी मंथ के लिए 2021. इसमें हम हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, जो भी गाइडेंस मिलेगा हम उसको देखेंगे. कार्ड्स मैं आपके सामने ही शफल करूंगी जैसे कि मैं पहले भी करती हूँ. और मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है फ्री रीडिंग्स का, डेली 3 फ्री रीडिंग्स का. अगर आप चाहते हैं मुझे मेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं. मैं जनवरी 1 या 2 दिन ही लेती हूँ रिप्लाई करने में, ठीक है जी. पर रिप्लाई सबको होता है उनकी रीडिंग का. और मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच फ्रॉम माय हार्ट. आप मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हो ताकि मैं इस फ्री सर्विस को कंटिन्यू रखूँ. थैंक यू सो मच. और आपकी न्यू ईयर विशेज़ के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए आई एम फीलिंग वेरी जेनरस. यू पीपल आर सो जेनरस एंड दिस ये मुझे भी मोटिवेट कर रहा है, ठीक है जी. और बैकग्राउंड के साउंड को अवॉइड करें. जेट प्लेन की साउंड है, ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे एयरफोर्स इंडिया में. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग. कार्ड्स मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, ठीक है जी. ठीक है, ओके जी. कुछ तो है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, रास्ते में रुकावटें हैं, लोग आपको रोक रहे हैं, करने नहीं देंगे और आप डिटरमिन्ड हैं. इनर वॉइस सुन रहे हैं आप अपनी, ठीक है जी. आप नहीं ध्यान देने वाले. लवर्स, 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है जी. शेयरिंग कन्या राशि. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को ना, ये एंगर इश्यूज, ये एग्रेशन आपका है, किसी और का नहीं है. ये एग्रेशन आपका खुद का है, किसी और का नहीं है. एग्रेशन पता है किस चीज के बीच में है, अभी बताते हैं. ये पीछे जो साउंड आ रही है, I'm so sorry again for that. ये मेरे हाथ में नहीं है इसको कंट्रोल करना. ये फर्स्ट रीडिंग है जिसमें इस टाइप की एनर्जीज आई हैं, ठीक है जी. ट्रैवलिंग, कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं आप अभी इमीडिएट और लॉन्ग टर्म के लिए? कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं क्या? क्रिएटिविटी, आई लव दिस कार्ड. मुझे कार्ड अगेन, मुझे कार्ड किसी भी डेक में हो मुझे बहुत पसंद आता है. प्लेफुलनेस, ओके. बॉटम ऑफ द डेक है आपका पार्टिसिपेशन जी. वर्क हो सर, अगर आपका आपकी रीडिंग ना जो है सबसे डिफरेंट आई है, ठीक है जी. डिफरेंट इज इन द सेंस आपका, आपकी जो एनर्जी शिफ्ट है ना, कभी तो आप बहुत मेच्योर हो रहे हो कि मुझे काम अभी करना है, मुझे लीप ऑफ फेथ है. कभी कभी आप बहुत सुन रहे हो, एकदम मेच्योर पर्सन के जैसे बिहेव कर रहे हो. और फिर कभी कभी एकदम आप फिर चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है. तो शायद 2 चीज़ों के बीच में आप ना कुछ चूज करने का सोच रहे हो कि क्या करना है, ठीक है. आप एक चीज़ को लेकर तो चाहते हो कि मेरी लाइफ में मेरे को अभी सभी कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, लाइक मेटेरियल अबंडेंस,
नेम फेम फैमिली और सब चाहिए उसको लेके आप बहुत गुस्से में हो, शायद किसी से फाइट कर रहे हो कि नहीं मुझे वापस चाहिए, मे बी आप किसी चीज़ के लिए इसी चीज़ से रिलेटेड कहीं पे ट्रैवलिंग भी कर रहे हो क्योंकि आपको वो जर्नी स्टार्ट करने वाली है, शायद मे बी कोई आपको स्टॉप कर रहा होगा और आप करोगे ही, चाहे कोई आपको कितना भी मना कर रहा है, मैं यहाँ देख रही हूँ आप सिर्फ सेल्फ पर ही केयर करने वाले हो, ठीक है, मुझे और कार सीख मिले आपके लिए चाहिए भी सब कुछ, इन द सेंस मटेरियल चीज़ें भी चाहिए जी। ये देखिए एंग्जाइटी, एंग्जाइटी कहाँ से, रिलेशनशिप से, अकेले रहना चाहते हैं आप, सिंगल रहना चाहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों जी, क्योंकि ब्रोकन हार्ट ये हुआ है आपके साथ, इसलिए आप बोलते हो कि नहीं अब मैं सिर्फ खुद पे ही फोकस करना है, मुझे और किसी पे नहीं करना, शायद आपको सब समझा रहे हैं, मे भी वो मना करें नहीं मत करो, पर आप क्यों, क्योंकि ना आप इनडिसाइसिव हो थे पहले, पर अब तो आप डिसीजन ले चुके हो कि नहीं अब मुझे ऐसा नहीं करना, अगर नहीं था तो आप डिसीजन लेने वाले हो और लोन कहीं जर्नी स्टार्ट करे, डोर टू रोमांस देख लीजिए कार्ड विद सेल्फ, आपका खुद के साथ वर्कोस, आपका एनर्जी एकदम सबसे डिफरेंट आया है जी, ठीक है, आपका इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इस वक्त, पीक पे है, पर आप खुद को इस एंग्जाइटी से बाहर निकालने के लिए ना, और इस ब्रोकन हार्ट से बाहर निकालने के लिए, इस इनडिसीजन से बाहर निकालने के लिए ना, आपको प्रेयर्स और हीलिंग की और फिर मेडिटेशन की कुछ भी आपको ज़रूरत है करिए, और आप लोग शायद कर भी रहे हो, ठीक है जी। स्ट्रेंज, मेरे को उसकी रीडिंग थोड़ा स्ट्रेंज आई है मेरे पास, पेनफुल एंडिंग रिलेशनशिप्स कहाँ बने, एकदम से सब फिनिश किया है, कहाँ फिनिश हुआ है आपके, वाह सी टावर जबरदस्त मूड में है, नई लाइफ सिंगल चाहिए ही नहीं, इस वक्त तो आप पूरा, ये देखिए ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग जबरदस्त है, एक चीज को छोड़ के जबरदस्त ट्रैवलिंग के कार्ड्स आए हैं आपके, ये थ्री कार्ड्स ट्रैवलिंग बता रहे हैं आपके कहीं पे, ठीक है, छोड़ कर जाना ट्रैवलिंग, डेफिनेटली आपके साथ फैमिली रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे बहुत पेनफुल बैड एंडिंग हुई है जी वर्गोस, और अभी रिसेंट और लॉन्ग टर्म के लिए है ये, मतलब हो चुकी है, नहीं मुझे नहीं लगता चांसेस हैं वापस वो होने के, आप ऑलरेडी इन चीज़ों को बहुत ही मुश्किल से संभाल रहे थे, शायद थक चुके थे, मे भी शायद इसलिए हो गई होंगी, और अगर हो गई होंगी तो आप पूरी तरह से चार्ज में अपने लाइफ को, हाथ को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये जो चैरिट का है ना, ये वर्गोस का ही अपना ही खुद का कार्ड है, ये आप हैं, ये आप ही का कार्ड है टैरो में, तो आप तो इस एनर्जी में हो कि मुझे तो, मैं अब कमांड ले चुका हूँ लाइफ की, या ले चुकी हूँ, अब नहीं सुनना किसी की, क्योंकि वर्गो ना एक फेमिनिन एनर्जी है तो ना, इसलिए भी मैं थोड़ा सा इसको इस सेंस में बोल रही हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना फीमेल कार्ड्स भी आए हैं, फीमेल कार्ड और लवर फीमेल कार्ड, आपका ये फीमेल कार्ड, ठीक है जी, फीमेल कार्ड हाई प्रिस्टेस, क्या हुआ है पर, देखा मैंने बोला था ना आपको, ठीक है, मे बी गार्ड अप करके बैठी हो, किसको वेलकम नहीं कर रही, किसी को नहीं सुनना नहीं चाहिए, है ना, तो न्यू बिगनिंग्स लाइफ में चाहिए, न्यू बिगनिंग के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, शायद पास नहीं चाहिए, जो भी हुआ था लाइफ में, अब आप इतने मजबूत हो चुके हो, इस एनर्जी से निकल के स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हो, जहाँ आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उन चीज़ों को करना, अब आपको आदत पड़ गई है, आपको पता लग गया है कि किन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, लाइफ को कैसे आपको चलाना है, कैसे आप लाइफ को करोगे, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ। अगर आप लोग अपना बिजनेस का यहाँ पे पूछ रहे हैं, जो लोग अपने खुद के बिजनेस में थे, शायद कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में थे, उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, डेफिनेटली वो अकेले ही अपनी अब जर्नी स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होंगी और बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ट्रैवल खुद करेंगे, शायद आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ काम है, ऑनलाइन कुछ काम है, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, मैं तब भी यहाँ पे यही कहूँगी, अगर आप अकेले करना चाहते हो पार्टनरशिप से बाहर आकर तो भी आप कर पाएंगे, और अगर आप लोग जॉब की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है फैमिली से दूर जाकर या फिर जॉब छोड़कर कहीं और ज्वाइन कर रहे हो, न्यू बिगनिंग्स होगी, अच्छे से कर पाओगे, सीख पाओगे, संभाल पाओगे, ठीक है जी। वर्गोस समराइजिंग जनवरी, वर्गोस समराइजिंग
थ्री ऑफ सोर्ड्स, वही चीज़ आप मूव ऑन किया है आपने, किसी से मूव ऑन कर रहे हो, कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड था जो कि आपने पहले नहीं किया था। अगेन वही कार्ड आया है जी आपका, फूल का कार्ड, न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग, बाय बाय पास्ट को आप बाय बाय कर चुके हो, सब प्लानिंग वगैरह हो चुकी है, प्लानिंग करके ही आपने ये स्टेप लिया है, ऐसे ही नहीं लिया गुस्से में, ये भी बता दो। हाँ उस चीज़, अगेन आपका वही कार्ड आया है, ये जो भी चीज़ हुआ है ना ऑनलाइन मैसेज इंटरनेट वगैरह इन सब चीज़ों से हुआ है, और ना आप कहीं ना कहीं पे ट्रैवल भी करने वाले हो, आप इस वजह से बहुत ही सोरो, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स इन सब एनर्जीज में थी। आपकी लव लाइफ में बहुत ज़बरदस्त किसी ने गेम प्ले की है, ठीक है जी, ये कार्ड्स बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है हम लेते हैं इनको, बहुत कार्ड्स हैं फिर भी लेते हैं। लाइफ को वापस स्टार्ट कर रहे हो, बैलेंस करने में लगे हो, बहुत हार्ड वर्क करोगे, कर रहे हो, ठीक है जी, होप है, इंस्पिरेशन है वापस से फिर से खड़े होने की। सिक्स ऑफ पेंटिकल सिंपल गिव एंड टेक नहीं था, अब आपको चाहिए, मे बी आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, पूरी तरह से थक चुके हो जो भी पास्ट में हुआ है, पर फिर भी हार नहीं मानोगे। इंट्यूशंस में भी अगर रिलेशनशिप था तो किसी फीमेल का इशू था, बड़ी कोई फीमेल थी, मदरली इशूज थे। मैं देखिए अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ मदरली इशूज को देख रहे हो जो लोग मैरिड थे और रिलेशनशिप में थे, सो प्लीज़ मैसेज को उसी हिसाब से एक्सेप्ट कीजिएगा। कोई वाटर साइन की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी हुई है जिसके चार्ट में वाटर था, हालांकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत नहीं है, पर मुझे ये लग रहा है ये कार्ड चाहे अर्थ का है पर मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है जी। कहीं पे तो आप बहुत चीज़ देख चुकी हो या नया जहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से आप ना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब आपको कुछ मिलेगा। आपकी लाइफ में आपको जो है ना कहीं और सोर्स से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फैमिली को लेके, लाइफ को लेके, मनी को लेके, मे बी जॉब को लेके, होम को लेके, ठीक है जी। मैं और कार्ड्स भी देखती हूँ आपके लिए, वर्गोस सन मून राइजिंग, वर्गोस सन मून राइजिंग। पर आप यहाँ बहुत कॉलेज में हो, बहुत हिम्मत करके आप अपने लाइफ का कंट्रोल जो है आप अपने हाथ में ले लिया है और बहुत अच्छे से निभा भी रहे हो। बहुत कार्ड्स आए हैं, मैं फिर भी लेती हूँ, आपके कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, चिंता नहीं करें। देखिए रिंग, मैरिज, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, उससे रिलेटेड ही कुछ हुआ है। मे बी अगर आप वेट सोच रहे हैं कि अरे अगर जिन लोगों का रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ आगे क्या होगा, फिर से बहुत अच्छा होगा जो भी होगा, क्योंकि आपके पास ये रिंग का कार्ड आया है और जो भी आगे होगा ना एकदम स्मूथ होगा, कोई रुकावट नहीं है आगे वाले में। आपके न्यू बिगनिंग्स लाइफ में हो रही हैं आपके वर्कर्स, ये देखिए बहुत सुंदर है। मिरर का भी कार्ड आया है तो पॉजिटिव रहें, बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव रहें, हिम्मत रहें, जो जैसा लाइफ को खुद को देखना चाहेंगे वैसा ही पाएंगे, क्योंकि अब इस बार आप विटामिन डो कि आपको आपकी लाइफ बहुत अच्छी चाहिए। क्रो का कार्ड है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, अच्छी हो चुकी है, इतनी सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं कहीं ना कहीं से आपको एंसेस्ट्रल स्पिरिट से भी आपको कुछ ना कुछ ना मे बी आपके एंसेस्टर से, फैमिली से कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ ना कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। और मुझे एक और मैसेज पहले आया था, मैंने अवॉइड किया, मैं बताती हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों पर यहाँ पे कुछ स्पेल किया गया था, केयरफुल रहें आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। वम का कार्ड आया है, ठीक है जी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी पहले से, ट्यूशन अच्छे काम कर रही है ना इसलिए। और मेडिटेशन का भी कार्ड आई थिंक आपके पास आया है यहाँ पे नीचे कहीं पे, कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये भी कार्ड है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपके पास आया है, और अगर नहीं आया है ना तो मैं स्ट्रॉन्गली अपने विजन में देख रही हूँ आपको ज़रूरत है। एक और कार्ड देखते हैं आपका, एंजल्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए कार्ड देखते हैं, ठीक है जी। वर्कर्स, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? बहुत मैं आपके लिए बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी पहली पायल है जिनके लिए इतने मैसेजेस हैं और मुझे सब लेने पड़ रहे हैं, मैं लेती हूँ। आर्क एंजल्स एंड डेल्फिन, आप एंजल्स को अलाउ कर रहे हो कि आपकी लाइफ को आपको हील करें और आप इस तरह से दूसरों को हील करें, ठीक है जी। शॉर्ट में रीड कर रही हूँ, बहुत मैसेजेस आए हैं ना। और आर्क एंजल एरियल, आप शाइन कर रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको अपनी वैल्यू और वर्थ मालूम है और दूसरे भी आपको वैल्यू दे रहे हैं, आपकी
वर्थ को पहचानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ बहुत कुछ हुआ है शायद, आपको बहुत डीमोटिवेट किया गया, आपकी वैल्यू आपको कदर नहीं की गई, रिस्पेक्ट नहीं की गई। अब आप अपने हार्ट को अलाउ कर रहे हो कि आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, लव, कंपैशन, काइंडनेस, ठीक है जी। बहुत कार्ड्स आए हैं, सी आप अपनी हीलिंग एबिलिटीज पे आपको ट्रस्ट है, आप खुद को हील कर रहे हो इमोशनली, इंटरनल, अंदर और बाहर, और स्पिरिचुअली हर तरह से। नेचर आपके अंदर बैलेंस लेकर आ रही है। ग्रीन चीज़ें आपको प्लांट्स, हर्ब्स, जैसे बेसिल हो गया, तुलसी हो गया, नीम हो गया, प्लांट्स हो गया, असेंशियल ऑयल्स हो गया, लेवेंडर वगैरह, उन सब से आप खुद को हील कर सकते हो। रूबी स्टोन आया है आपके लिए। आपकी लाइफ जो है, यू आर स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, आप ग्रेटफुल हो। जो भी आपकी लाइफ में पैशन है, अपने पैशन को पहचानिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, प्रोडक्टिव कीजिए, आप सेफ हो, आप अबंडेंट हो, ठीक है जी। तो वर्गो, सेफ ही आपकी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे बहुत मोटिवेट करता है मैं आपके लिए रीडिंग करूँ। और आप लोगों को अगर रीडिंग चाहिए हो तो आप लोग मुझे मेल और मैसेजेस कर सकते हो, ठीक है। मैं जनरली 1 or 2 days में रिवर्ट करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।